हाय गाइस, वेलकम टू एग्जाम आयर। हाउ आर यू ऑल डूइंग? एग्जाम आयर पे हम करते हैं हर रोज डेली एनालिसिस। अभी तक हो रहा है 6 बजे, बट अगर आप चाहते हो कि टाइमिंग चेंज हो जाए तो मुझे सजेस्ट करिए कब डाल दूँ, मतलब आपका सारा का सारा एनालिसिस। क्या मुझे ऐसे कर देना चाहिए कि सुबह 10-11 बजे से पहले सारा एनालिसिस डाल दूँ एंड आप कभी भी दिन में वो एनालिसिस देख सको? अगर आप ऐसे चाहते हो देन डू कॉमेंट। स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस से एंड प्लीज़ डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। हम वहाँ पर, हमारा नाम है @IAMLogiri के नाम से, हम वहाँ पर @IAMLogiri के नाम से हम वहाँ पर, तो सॉरी, एक तो लॉगिरी के नाम से है और @IAMExamIR के नाम से भी है, ठीक है ना? तो ये दोनों ही हैंडल्स हमारे हैं, तो कहीं पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस से। वाई कांट पेरा एक मिनट लोड होने दो। वाई कांट परारी वालन बी रिलीज? तो परारी वालन है कौन? द सुप्रीम कोर्ट ऑन वेनसडे ऑफर्ड द यूनियन गवर्नमेंट एन एस्केप रूट फॉर एग्रीइंग टू हैव राजीव गांधी असैसिनेशन केस कॉन्विक्ट। कॉन्विक्ट का मतलब क्या होता है? बहुत बार बताया मैंने, कॉन्विक्ट का मतलब होता है जो प्रूव्ड दैट दिस पर्सन हैज़ कमिटेड द ऑफेंस, ठीक है? इसका मतलब राजीव गांधी के असैसिनेशन, राजीव गांधी को मार दिया गया था, तो उस केस में कॉन्विक्ट कौन है? AG परारी वालन रिलीज फ्रॉम जेल आफ्टर सर्विंग द सेंटेंस ऑफ मोर देन 3 decades। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है क्यों ना हम उनको रिलीज़ कर दें, ठीक है ना? तो सुप्रीम कोर्ट एडवाइज द सेंटर अगेंस्ट परसुइंग अ बिजारे इफ नॉट प्लेनली अनकॉन्स्टिट्यूशनल आर्गूमेंट दैट द तमिलनाडु गवर्नमेंट चोज टू इग्नोर द स्टेट कैबिनेट्स बाइंडिंग एडवाइस। तमिलनाडु गवर्नर चोज टू इग्नोर द स्टेट कैबिनेट बाइंडिंग एडवाइस टू रिलीज परारी वालन हु इज सर्विंग अ लाइफ सेंटेंस एंड इज नाउ ऑन बेल बिकॉज द प्रेजिडेंट हैड द अथॉरिटी टू टेक अ डिसीजन ऑन द मर्सी प्ली, ठीक है ना? वाई डोंट यू पीपल हु हैव सर्वड ओवर 20 years आर रिलीज? वी आर ऑल्सो ऑफरिंग यू एन एस्केप रूट। योर आर्ग्यूमेंट दैट द गवर्नर डज नॉट हैव द ज्यूरिसडिक्शन टू टेक अ डिसीजन ऑन द मर्सी प्ली अंडर आर्टिकल 161 स्ट्राइक्स अ ब्लो ऑन द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अंडर विच प्रोविजन कैन द गवर्नर रेफर द डिसीजन ऑफ द स्टेट कैबिनेट टू द प्रेजेंट? तो बेसिकली इसमें क्या हुआ, जो तमिलनाडु की कैबिनेट है उन्होंने कहा कि इनको रिलीज़ कर देना चाहिए, ठीक है ना? वो गवर्नर के पास गया तो गवर्नर ने इंस्टेड ऑफ सेइंग येस और नो आगे किसको भेज दिया? प्रेजिडेंट को। वो कहते हैं कि ये कहाँ का रूल है, ठीक है? तो हम पढ़ लेते हैं आर्टिकल 161। पावर ऑफ द गवर्नर टू ग्रांट पार्डन, जस्ट अ मिनट, लेट मी पिक अप अ पेन। पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन एक्सेट्रा एंड टू सस्पेंड रिमिट कम्यूट सेंटेंस इन सर्टेन केसेस। द गवर्नर ऑफ अ स्टेट शैल हैव द पावर टू ग्रांट पार्डन रिप्रीव्स रिस्पाइट्स remissions of punishment or to suspend remit or commute the sentence of any person convicted of any offense against any law relating to a matter to which the executive power of the state extend. तो मतलब उनके पास पावर है टू पार्डन, ठीक है ना? मर्सी प्ली जो है वो पेंडिंग है, इनको डेथ सेंटेंस, लाइफ सेंटेंस, हु इज सर्विंग अ लाइफ सेंटेंस इज नाउ ऑन बेल, ठीक है? वो लाइफ सेंटेंस सर्व कर रहे हैं। तो ये है, आगे हम इसका और पढ़ेंगे। आपको नाम याद रखना है कि राजीव गांधी के असैसिन जो है वो कौन है? AG परारी वालन, ठीक है ना? परारी वालन, ठीक है? इनका नाम याद रखना है। और ये याद रखना है कि आर्टिकल 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द पावर टू द गवर्नर टू माफ़ करने के पावर टू, ठीक है ना? ये हम यहाँ से नोट कर, पावर ऑफ द गवर्नर टू ग्रांट पार्डन्स, ठीक है ना? ग्रांट पार्डन्स, ठीक है? ये हमें याद रखना है। उसके बाद आगे चलते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन वेनसडे सेड दैट फ्यूल प्राइसेस वर टू हाई इन सम स्टेट्स रूल्ड बाय बीजेपी राइवल्स एंड दे वर नॉट पासिंग ऑन द बेनिफिट्स ऑफ द सेंटर्स एक्साइज ड्यूटी कट टू द पीपल। वो कहते हैं कि कुछ स्टेट्स में जो प्राइस है जो बीजेपी के अलावा रूल हो रही हैं, जो जहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ पे जो सेंटर उनको फ़ायदा दे रही है फ्यूल से रिलेटेड, वो पब्लिक को पास नहीं कर रहे हैं। तो ये हमें नोट नहीं करना है, बट पता होना चाहिए। यहाँ पे हमें अगेन लाउड स्पीकर्स रिमूव फ्रॉम रिलीजियस साइट्स इन UP, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ कौन सी स्टेट ने इस चीज के लाउड स्पीकर्स लगे उनके। तो ये पढ़ लेते हैं, जस्ट मिनट, इसको लोड होने दीजिए थोड़ा सा। मैं लाइव ही हूँ अभी, इसको यार ये स्क्रीन क्यों बढ़ जाती है। हाँ, अब पढ़ते हैं। लाउड स्पीकर्स रिमूव फ्रॉम रिलीजियस साइट्स इन UP। तो ये ऐसा का ऐसा नोट कर लो, हमें याद रखना है कि उत्तर प्रदेश एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर ये हो रहा है अभी, ठीक है ना? तो लाउड स्पीकर जो रिलीजियस प्लेसेस पे लगे होते हैं, चाहे वो मंदिर हैं, गुरुद्वारा हैं, मॉस्क हैं। द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ऑन वेनसडे सेड दैट इट हैड रिमूव्ड 10,923 अनऑथराइज्ड लाउड स्पीकर फ्रॉम रिलीजियस प्लेसेस एंड लोअर द वॉल्यूम ऑफ 35221 स्पीकर टू विद इन परमिसेबल लिमिट्स। तो ये कौन कर रहा है, कौन इस चीज़ पर काम कर रहा है? उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट।
ठीक है, बस ये हमारी हेडलाइन नोट कर ली तो इतना बहुत है, और कुछ नोट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आगे चलते हैं। चलिए एडिटोरियल्स में देख लेते हैं आज। बिल्डिंग बैक टू अवॉर्ड अ लर्निंग कैटास्ट्रोफे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अब हमें पता चलता है, अ जॉइंट रिपोर्ट बाय यूनेस्को, यूनिसेफ एंड द वर्ल्ड बैंक, द स्टेट ऑफ द ग्लोबल एजुकेशन क्राइसिस अ पार्ट टू रिकवरी, रिलीज इन अर्ली दिसंबर 2021, हैड एस्टिमेटेड दैट इन द फर्स्ट 21 मंथ्स ऑफ पैंडमिक, स्कूल्स इन कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड वर ईदर पार्शली और फुली क्लोज फॉर एन एवरेज ऑफ 224 डेज। तो उन्होंने ये बोला था, ठीक है। तो ये रिपोर्ट का नाम हमें पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। किस किस ने ये रिपोर्ट मिलकर लिखी है, यूनेस्को, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक, रिपोर्ट का नाम क्या, और इन्होंने क्या कहा है कि इतने दिनों के लिए मोस्टली जो स्कूल्स थे, ठीक है ना, इंडियन स्टेट्स वर क्लोज फॉर फिजिकल क्लासेस फॉर ऑलमोस्ट ट्वाइस द ड्यूरेशन बिटवीन 450 टू 480 डेज सिंस द पब्लिकेशन ऑफ दिस रिपोर्ट। द ओमिक्रॉन वेरियंट सर्ज ग्लोबली एंड द रिजल्टेंट थर्ड वेव ऑफ कोविड-19 इंडिया फर्दर डिलेड द रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स। ये नोट नहीं करना, नोट जो मैंने बॉक्स बनाया वही करना है, ठीक है। तो ओपनिंग स्कूल्स डे फॉर इट इज़ इम्प्रैक्टिकल। वो अब ये जो है ऑर्डर, वो ये कह रहे हैं, इनका कहने का मतलब ये है कि देखो, अगर आप बच्चों को, मतलब अब क्या है, क्योंकि थोड़े से केसेस और बढ़े हैं कोविड के, तो पेरेंट्स कह रहे हैं कि स्कूल्स को दोबारा बंद कर देना चाहिए और ऑनलाइन मोड पे ही क्लासेस लेनी चाहिए ताकि बच्चों को कोविड ना हो जाए। तो वो कह रहे हैं कि कब तक बच्चों को बचाओगे। अल्टीमेटली हमने देखा कि जब तक हर्ड इम्यूनिटी नहीं आई बड़ों में भी, मतलब ऑलमोस्ट सबको कोविड एक बार तो हुआ, कईयों को दो दो बार भी हुआ, तीन तीन बार भी हुआ, एंड तब जाकर थोड़ी स्टेबिलिटी आई। तो वो कहते कब तक बचा लोगे, तो वो कह रहे हैं कि दिस इज़ कम्प्लीटली ओपिनियन है ये, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं, अननेसेसरी, अनसाइंटिफिक, अनएथिकल टू इवन कंसिडर एन ओपन एंड शट मोड फॉर स्कूल्स। चिल्ड्रन आर अ पार्ट ऑफ फैमिली एंड सोसाइटी, देयरफॉर व्हेन कोविड-19 केसेस आर बीइंग रिपोर्टेड इन अ कम्युनिटी, चिल्ड्रन आर आल्सो लाइकली टू टेस्ट पॉजिटिव। हाउएवर 2 years into the pandemic, what is proven is that while children do get SARS-CoV-2 infection at the same rate as adults, the probability of adverse outcome of moderate to severe disease is very low. तो वो कहते हैं कि हमें जो result पता चलता है कि most of the cases में अगर children को COVID हुआ भी है तो इतना ज़्यादा कुछ उनको effect, मतलब इतना ज़्यादा health वो नहीं हुई है उनकी, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि school खुले रखने चाहिए, ठीक है। और उन्होंने बोला कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पैंडेमिक रिलेटेड चैलेंजेस एंड फ्रेश ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज मस्ट बी डेवलप्ड एंड इंप्लीमेंटेड इन एन एक्सेलरेटेड मैनर। नोट करने की ज़रूरत नहीं है ये। उसके बाद वो बोलते हैं कि फिफ्थ मिड डे मील सर्विसेज जो है हैव रिज्यूम्ड आफ्टर अ गैप ऑफ 2 years। देर आर 12 crore चिल्ड्रन इन इंडिया हुज न्यूट्रिशनल स्टेटस इज डिपेंडेंट ऑन दीज स्कूल्स एंड मील्स, ठीक है ना। तो वो कहते हैं कि स्कूल्स ओपन ही रहने चाहिए इस डर के मारे कि बच्चों को कोविड ना हो जाए, बंद नहीं करने चाहिए, ठीक है ना। ये वाला जो एडिटोरियल है ये धर्म सांसद के ऊपर बेस्ड है, जो हमने कल जजमेंट पढ़ी थी कि धर्म सांसद जो है सुप्रीम कोर्ट में, मैं इसका आपको शॉर्ट में रिपीट कर देती हूँ कि क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो धर्म सांसद जो हैं, जो कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जो स्टेट्स हैं वहाँ पे ज़्यादा हो रही हैं, तो उसमें कहा गया कि यहाँ पे हेट स्पीच का बहुत ज़्यादा, मतलब एक रिलीजन के प्रति बहुत ज़्यादा गलत बोला जा रहा है या कम्युनिटी के प्रति, तो जो हेट स्पीच हो रही है वो गलत है, उस पर पुलिस और जो चीफ सेक्रेटरीज हैं इन स्टेट्स के, इनको और बाकी सब स्टेट्स के भी, उनको ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा ना हो, एंड जो ये सब कुछ गलत बोल रहे हैं लोगों को इकट्ठा करके वो गलत भाषण ना दें, ठीक है। बेसिकली ये है द ब्लू प्रिंट। इसके अंदर मैंने इसलिए बेलेगर्ड कांग्रेस, तो बेलेगर्ड जो वर्ड है, देखिए ये वर्ड का मीनिंग मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही आपको बताया था, क्या आपको इसका मीनिंग पता है। एंड ये मैंने इसलिए भी मार्क किया है कि बहुत बच्चे कहते हैं कि अरे हम नॉर्मल लुइस पढ़ लें, अरे हम एक लिस्ट याद कर लें। देखिए जो आपके वर्ड्स हैं वो बार बार रिपीट होते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो अगर आप द हिंदू के वर्ड्स जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो पढ़ोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये वाले एडिटोरियल के अंदर उन्होंने कहा है कि ऐसा पहले जो अब हो रहा है कि हर जगह मुस्लिम्स और हिंदूस लड़ रहे हैं जो राइट्स हो रहे हैं, वो ये तब हुआ था जब बाबरी मस्जिद डिमोलिशन हुआ था 1992 में, उससे पहले ऐसा नहीं हुआ है, और अब जो है वो गवर्नमेंट का ब्लेम दे रहे हैं और ये सब, ठीक है। ये है, इसके अंदर हमें इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं मिल रही इसलिए हम नहीं पढ़ रहे हैं। अब हम बात करते हैं एनर्जी इंडिपेंडेंस थ्रू हाइड्रोजन। तो ये एक हमें पढ़ लेना चाहिए बिकॉज हाइड्रोजन का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इंडियाज ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी, तो इंडिया की ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी कब रिलीज़ हुई है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि फेब 2022 में इंडिया ने क्या रिलीज़ किया है, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी, ठीक है।
ये तो नंबर वन पॉइंट बन जाएगा हमारा, आगे चलते हैं। हैड एड्रेस सेवरल क्रिटिकल चैलेंजेस सच एज ओपन एसेस, वेवर ऑफ इंटर स्टेट ट्रांसमिशन चार्जेस, बैंकिंग टाइम बाउंड क्लियरेंस एक्सेट्रा, एंड इज एक्सपेक्टेड टू फर्दर बूस्ट इंडियाज एनर्जी ट्रांजिशन। तो क्या किया था उन्होंने, क्रिटिकल चैलेंजेस जो आते हैं ठीक है ना, तो एड्रेस्ड क्रिटिकल चैलेंजेस ठीक है ना, सो दैट टू बूस्ट इंडियाज एनर्जी ट्रांजिशन ठीक है ना, कि इंडिया के एनर्जी ट्रांजिशन अभी हम किस पे डिपेंडेंट है, मेजरली कोल पे डिपेंडेंट है ठीक है, हमें कोल चाहिए ठीक है, हमें क्रूड ऑयल चाहिए ठीक है, टू प्रोड्यूस एनर्जी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी ठीक है, और ये क्या करता है पॉल्यूशन, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन, और हमने क्या बोला है कि हम पॉल्यूशन कम करेंगे, हम कार्बन न्यूट्रल, जीरो कार्बन एमिशन प्रॉमिस करके आए हैं हमारे प्रधानमंत्री, तो जीरो कार्बन एमिशन, जीरो पॉल्यूशन के, जीरो कार्बन एमिशन के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, जो पॉल्यूट नहीं करते एनवायरनमेंट को, उन एनर्जीज पे शिफ्ट होना पड़ेगा, जैसे कि सोलर एनर्जी या इलेक्ट्रिक ठीक है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, या हाइड्रोजन के ऊपर भी H2 ठीक है, हाइड्रोजन के ऊपर भी डिपेंड करें। तो समझ में आ रहा है किस चीज़ में, इंडियाज़ पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन इज अबाउट 1/3 ऑफ द ग्लोबल एवरेज एंड 1/12 ऑफ US, इंक्रीजिंग ग्रोथ एंड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव पैरिटी वुड सिग्निफिकेंटली इंक्रीज इंडियाज़ एनर्जी एपेटाइट। वो कह रहे हैं कि अभी तो हमारा US से अगर हम कंपेयर करते तो हमारी एनर्जी बहुत कम हम कंज्यूम कर रहे हैं, बट जैसे इंडिया की ग्रोथ हो रही है जिस स्पीड पे, तो हमें कुछ चाहिए, हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ेंगी। हाइड्रोजन हैज़ मल्टी फैसेटेड रोल टू प्ले इन फ्यूचरिस्टिक एनर्जी लैंडस्केप, बी इट एनर्जी ठीक है ना, तो वो कहते हैं हाइड्रोजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इंडिया में ठीक है, बी इट एनर्जी स्टोरेज, लॉन्ग हॉल ट्रांसपोर्ट और डी कार्बोनाइजेशन ऑफ द इंडस्ट्री सेक्टर। इन द लॉन्ग रन टू इनविजन प्रोमिनेंट फ्यूल्स आर हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो मैं आपको बता रही थी कि जो पॉल्यूट नहीं करते ठीक है ना, पॉल्यूशन नहीं फैलाते हैं, दो बोथ आर एनर्जी वैक्टर्स, हाइड्रोजन कैन बी स्टोर्ड ऑन अ लार्ज स्केल एंड फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, एक्सप्लिसिटली अफर्मिंग इट्स ह्यूज पोटेंशियल टू बिकम अ ग्रेट बैलेंसर टू इंक्रीज एवर इंक्रीजिंग सप्लाई, इट विल कॉम्प्लीमेंट एंड accelerate renewables into India's clear energy transition, thereby supporting India's ambition to plan achieve 400 gigawatt renewable capacity by, तो 2030 तक कितनी 500 GW ऑफ हम क्या कर रहे हैं, रेन्यूएबल कैपेसिटी, मतलब रेन्यूएबल मतलब जो पोल्यूट नहीं करेगा इन्वायरमेंट को, उसके ऊपर जा रहे हैं। तो ये सेकेंड पॉइंट हम नोट कर लेंगे ठीक है ना। उसके बाद हाइड्रोजन हैज़ अ मेजर रोल टू प्ले इन द डी कार्बनाइजेशन ऑफ इंडियाज ट्रांसपोर्ट सेक्टर, द एडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल व्हीकल्स ओवर बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर फास्टर फ्यूलिंग लॉन्ग ड्राइविंग। तो वो कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक वाला है उससे ज़्यादा भी कौन सा ज़्यादा बेनिफिट है, हाइड्रोजन वाला है क्यों, अगर आपने किसी एसे में या कुछ इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करो तो ये बहुत ज़रूरी है। क्या है, हाइड्रोजन में फास्ट फ्यूलिंग हो जाती है, लॉन्ग ड्राइविंग रेंज, देयर बाय मेकिंग देम आइडल फॉर लॉन्ग हॉल ट्रांसपोर्टेशन विच इज़ अ मेजर कंस्ट्रेंट विद लिड बैटरीज और लायन बैटरीज इन द इंडस्ट्री सेगमेंट, हाइड्रोजन कैन डी कार्ब, तो कहते हैं कि लॉन्ग रेंज में जा सकते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट ईजी है इस टाइप के एनर्जी की। इंडियाज हाइड्रोजन कंजम्पशन वॉज अराउंड दिस मच, तो कहते हैं कि द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट इट इज, तो इंडिया की 7 MT थी 2020 में, 28 MT हो जाएगी 2050 तक ठीक है, और 35 MT हो जाएगी 2050 तक। नोट करना चाहते हो तो कर सकते हो, वैसे इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये भी। उसके बाद हाइड्रोजन फुलफिल्स द 3 E's ऑफ इंडियाज एनर्जी रोड मैप, एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी सस्टेनेबिलिटी, एनर्जी एसेस, एंड इंडिया शुड स्ट्राइव टू सी 1 more E, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी सो दैट इंडस्ट्री कैन बी इंकरेज टू इट्स फुल, ये तो इनकी ओपिनियन है, बट यहाँ पे हमारे क्या है, हाइड्रोजन फुलफिल्स 3 E's इन ऑफ इंडियाज एनर्जी रोड मैप, एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी सस्टेनेबिलिटी एंड एनर्जी एसेस ठीक है, ये आप नोट कर सकते हो। थर्डली ब्लेंडिंग हाइड्रोजन विद, वो कहते हैं ये ओपिनियन है अगेन, वो कहते हैं कि अगर हम हाइड्रोजन को जो नेचुरल गैस होते हैं उसके साथ CNG के साथ ब्लेंड कर देंगे तो और भी फायदा होगा। प्लांट ऑन डेडिकेटेड कॉरिडोर्स वेयर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रकिंग इज वाइड स्प्रेड ठीक है, इन COP26 ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्यों हम हर रोज़ रेन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, बिकॉज जो अर्थ का टेम्परेचर है, देख रहे हो कितनी भीषण गर्मी पड़ रही है, बाहर जाने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। इन COP26 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैड गिवन अ क्लैरियन कॉल फॉर पंचअमृत 5 goals विद एन एम्बिशियस टारगेट टू अचीव नेट जीरो बाय 2070। अब यहाँ पे क्या है, हमें पता है 2070 तक हम क्या करें, नेट जीरो
ठीक है, नेट जीरो अचीव करना है, कार्बन एमिशंस जो होंगे हम जीरो हो जाएंगे उसके ऊपर, बट उसमें पंच अमृत, ठीक है, वो पांच गोल्स कौन से हैं वो पढ़ेंगे हम। प्ले अ डिसाइसिव, हाइड्रोजन विल प्ले अ इंडिया साथ में, ठीक है, ये तो हमारा सब सही है, बट हमारी जो पंच अमृत है वो क्या है वो हम यहाँ से पढ़ लेते हैं। पंच अमृत, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रपोज अ फाइव फोल्ड स्ट्रैटेजी फॉर इंडिया टू प्ले इट्स पार्ट इन हेल्पिंग वर्ल्ड गेट क्लोजर टू 1.5 डिग्री सेल्सियस ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ग्लोबल, ठीक है, सेवरल वर्ल्ड लीडर्स। तो अर्थ का टेम्परेचर है वो बहुत जल्दी बढ़ रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, तो सभी कंट्रीज़ को कहा गया है कि आप नॉन रेन्यूएबल जैसे कोल, पेट्रोल, डीजल, इन सब से छोड़, इन सब को छोड़कर आप रेन्यूएबल सोर्सेज जो पल्यूट नहीं करते एनवायरनमेंट को उनके ऊपर हो जाए। तो पंचअमृत क्या है, इज़ अ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ मिक्सिंग फाइव नेचुरल फूड्स, मिल्क, घी, कर्ड, हनी, जैगरी, दीज आर यूज इन हिंदू एंड जैन वर्शिप रिचुअल्स, इट इज़ ऑल्सो नोन एज टेक्निक, एज अ टेक्निक इन आयुर्वेदा। मोदी पंचअमृता प्रोमिसेस इंक्लूड, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये सारा का सारा आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, इंडिया विल गेट इट्स नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी ऑफ 500 गीगावाट। तो पहला क्या है हमारा, 500 गीगावाट रेन्यूएबल एनर्जी, लिखिए साथ साथ, मैं भी लिख रही हूँ, एनर्जी बाय 2030। नंबर वन ये, इंडिया विल मीट 50% ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट 2020 विद 50% ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट विद रेन्यूएबल एनर्जी। तो यहाँ पे नॉन फॉसिल ही लिखे, रेन्यूएबल मत लिखे, यहाँ पे नॉन फॉसिल लिखे, ठीक है। उसके बाद इंडिया विल रिड्यूस इज प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन बाय 1 बिलियन टन्स, रिडक्शन, रिड्यूस कार्बन एमिशन बाय 1 बिलियन टन बाय 2030। इंडिया विल रिड्यूस द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इट्स इकॉनमी बाय 45%। कार्बन इंटेंसिटी कितने से रिड्यूस होगी, 45% बाय 2030। इंडिया विल अचीव नेट जीरो बाय 2070। ये पांच पंचअमृत हैं जो मोदी बोलकर आए हैं COP26 के अंदर, ये हमें पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा ये एडिटोरियल था, इसमें से हमें दो तीन चीज़ें ही समझ पता चली। और देखिए, न्यूज़पेपर जब पढ़ते हो तो अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कई बार ना क्वेश्चन आता है एग्जाम में जिसपे आप गेस वर्क पे खेल सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि हाँ ये चल रहा है, ठीक है। तो वो इन्फॉर्मेशन जब इकट्ठी करते रहते हो तो वो बहुत हेल्पफुल करता है। इंडोनेशिया पाम ऑयल एक्सपोर्ट बैन, तो इंडोनेशिया ने पाम ऑयल एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया है, तो पढ़ लेते हैं क्या है वो। इंडोनेशिया इज़ द वर्ल्ड बिगेस्ट प्रोड्यूसर, इंडोनेशिया क्या है, द वर्ल्ड बिगेस्ट प्रोड्यूसर, एक्सपोर्टर एंड कंज्यूमर ऑफ पाम ऑयल। तो सबसे पहले तो हमें ये पता चलता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है दैट हु इज़ द इन द वर्ल्ड, विच कंट्री इज़ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर, एक्सपोर्टर एंड कंज्यूमर ऑफ पाम ऑयल, ठीक है। एक तरह का एडिबल ऑयल है, ये सबसे सस्ता ऑयल होता है, और तभी कहते हैं होटल्स में खाना नहीं खाना चाहिए, बिकॉज होटल्स में सबसे ज़्यादा पाम ऑयल यूज़ किया जाता है। हमें बोल दिया जाता है ये ऑलिव ऑयल में बना है, बट एक्चुअली पाम ऑयल में बना होता है, तो इट इज़ नॉट हेल्दी एट ऑल, बट क्योंकि ये सस्ता है इसलिए बहुत ज़्यादा इसी पर कुकिंग डिपेंड करती है, ठीक है। विल बैन ऑल, अब उन्होंने क्या कर दिया, सेकेंड पॉइंट क्या है, उन्होंने बैन कर दिया ऑफ द कॉमोडिटी, एक्सपोर्ट्स ऑफ द कॉमोडिटी एंड इट्स रॉ मटेरियल फ्रॉम April 28 टू रिड्यूस डोमेस्टिक शॉर्टेजेस ऑफ कुकिंग ऑयल, ब्रिंग डाउन इट्स स्काई रॉकेटिंग प्राइजेस। स्काई रॉकेटिंग मतलब इतने ज़्यादा प्राइसेस बढ़ गए उनकी अपनी कंट्री में कि उन्होंने बैन कर दिया एक्सपोर्ट। क्यों बैन करा है हमें पता होना चाहिए, क्या कर दिया, सबसे पहले तो कि ये सबसे बड़े लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और एक्सपोर्टर है, ठीक है, मतलब बाहर भी यही भेजता है, कौन, इंडोनेशिया। नंबर टू पॉइंट का क्या है, बैन क्यों करा, वाई बैन कर दिया, बैन कर दिया क्योंकि प्राइसेस इंक्रीज्ड इन देयर ओन कंट्री, ठीक है। तो अब कब से करा है, April 2022 से कर दिया, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, पाम ऑयल इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली यूज वेजिटेबल ऑयल विद इट्स ग्लोबल प्रोडक्शन क्रॉप ईयर इतनी। हाउएवर पाम ऑयल इज़ प्रेफर्ड बाय मेनी एज इट इज़ इनएक्सपेंसिव, ऑयल पाम्स प्रोड्यूस मोर ऑयल पर हेक्टर दैन अदर वेजिटेबल ऑयल प्लांट्स। इंडोनेशिया एंड मलेशिया टुगेदर अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट 90% ऑफ ग्लोबल ऑयल पाम ऑयल प्रोडक्शन एंड विद इंडोनेशिया प्रोड्यूसिंग, ठीक है। अब यहाँ से मैं पेन का कलर चेंज कर देती हूँ आपको, मैं आपको बताती हूँ, इंडोनेशिया एंड मलेशिया टुगेदर अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट 90% ऑफ पाम ऑयल प्रोडक्शन, ठीक है। सो इसके अंदर जो हमारा सेकेंड पॉइंट नोट करने वाला है वो ये है कि इंडोनेशिया और मलेशिया जो है 90% ऑफ ग्लोबल पाम प्रोडक्शन जो है वो यही पाम ऑयल प्रोडक्शन जो है वो ये करते हैं, ठीक है ना। तो द पाम ऑयल यूज फॉर कुकिंग इज मेड बाय प्रोसेसिंग क्रूड पाम ऑयल,
ठीक है, उसके बाद इंडिया पे क्या इफेक्ट होगा ये इस आर्टिकल में डिस्कस किया हुआ है, वो देख लेते हैं। इंडिया इज़ द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ पाम ऑयल विच मेक्स 40% ऑफ इट्स वेजिटेबल ऑयल कंजम्पशन एज पर द USDA, ठीक है ना। 40% विच मेक्स 40% जो बिगेस्ट इंपोर्टर है, तो अब यहाँ से हमें एक और क्वेश्चन कौन सा बनता है कि बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ पाम ऑयल कौन सा है, इंडिया, ठीक है। तो इंडिया को भी फ़र्क पड़ेगा, पर इंडिया का पहले भी इंडिया ने के साथ ऐसा हुआ, अनवील इट्स प्लान टू बूस्ट इंडियाज डोमेस्टिक पाम ऑयल प्रोडक्शन। तो इंडिया ने एक प्लान स्टार्ट किया है, पिछले साल ही किया है, वो पढ़ लेते हैं, जिसके अंदर उन्होंने बूस्ट करने की कोशिश की अपनी क्या पाम ऑयल प्रोडक्शन, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, नेशनल एडिबल ऑयल मिशन, मिशन ऑयल पाम, तो क्या है NMEOOP, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो क्या है इसका, इसका नाम क्या है मिशन का, नेशनल, ये सभी नोट करेंगे, नेशनल एडिबल ऑयल मिशन ऑयल पाम, ठीक है। तो ये स्टार्ट किया है। नाउ फॉर सेल्फ रिलायंस इन एडिबल ऑयल इन्वॉल्व्स इन्वेस्टमेंट ऑफ ओवर ₹11,000 करोड़ ओवर 5 ईयर्स। तो इंडिया इस पे ऑलरेडी अपना काम स्टार्ट कर चुका है, ये पहले हुआ था पिछले साल, टू हार्नेस डोमेस्टिक एडिबल। इसका एम क्या है, ऑयल प्राइसेस दैट आर डेडिकेटेड बाई एक्सपेंसिव पाम ऑयल, हार्नेस डोमेस्टिक एडिबल ऑयल टू रेज द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ पाम ऑयल। द स्पेशल इम्फोसिस ऑफ द स्कीम विल बी इन इंडियाज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स ड्यू टू द कंडक्टिव वेदर कंडीशन इन द रीजन। अंडर द स्कीम ऑयल पाम फार्मर्स विल भी प्रोवाइडेड फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करी जाएगी फार्मर्स को अगर वो ये वाली क्रॉप उगाएंगे, ठीक है ना। तो हमारे लिए मिशन का नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेम ऑफ द मिशन और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। चलो इतना ही था हमें इस आर्टिकल से, 3-4 पॉइंट्स हमें मिल गए जो कि ज़रूरी थे। चलो एट द एंड, तो रिलायंस रिटेल विदड्रॉ फ्रॉम, तो रिलायंस रिटेल ने फ्यूचर के साथ जो डील करी थी, हमें याद रखना चाहिए कि ₹24,713 करोड़ की डील थी, जो कि अब नहीं है फ्यूचर रिटेल के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे हमें और पता चलता है, अ लुक एट चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ केयर सिस्टम्स। तो ये पढ़ लेते हैं ये आर्टिकल। अ न्यू लैंसेट की सीरीज, एक लैंसेट सीरीज कॉल्स अटेंशन टू द क्राइसिस, वो क्या कह रही है, कॉल कर रही है अटेंशन टू द क्राइसिस इन चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट सेंटर। एडोलेसेंट कौन से होते हैं, जो ज़्यादातर टीनेज में आते हैं, ठीक है। एडोलेसेंट टीनेज ही होती है एक्चुअली, एडोलेसेंट मतलब जब बच्चे से बड़ा बन जाता है ना थोड़ा सा, तो टीनेज वाला एडोलेसेंस एज कहा जाता है उनको। सेक्टर अर्जिंग फॉर अ कंप्लीट रिकॉल ऑफ द वेस्ट दे आर बीन डन नाउ, अ सीरीज ऑफ 4 पेपर। तो लैंसेट सीरीज ऑफ 4 पेपर्स, ठीक है, क्या कह रही है वो, सेट आउट ऑफ द करंट पोजिशन। तो ये किस चीज़ पे पेपर है, क्राइसिस इन द चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट सेंटर, तो ये हम नोट कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। अ सीरीज ऑफ 4 पेपर सेट आउट द करंट पोजिशन विद द गेंस दैट हैव बीन मेड ग्लोबली बट पॉइंट आउट द स्टार्क वेरिएशन इन द ग्लोबल सिनेरियो विद सम नेशन शोइंग मोर मार्क्ड इम्प्रूवमेंट अदर देन। स्टार्क का मतलब क्या होता है, स्टार्क का मतलब यहाँ पे मैंने नोट किया होगा, स्टार्क का मतलब होता है सेवियर और बेयर इन अपीयरेंस और आउटलाइन अनप्लेजेंटली और शार्पली, ठीक है ना, बहुत शार्प स्टार्क, ठीक है ना। स्टार्क वेरिएशन मतलब बहुत ज़्यादा वेरिएशन, स्टार्क मतलब शार्प वेरिएशन, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन सीरीज कोऑर्डिनेटर एंड, तो ये एक सीरीज लिखी किसने है ये भी नोट कर लीजिए, ऑदर जुल्फिकार भुट्टा फ्रॉम द हॉस्पिटल फॉर सिक चिल्ड्रन सिक किड्स सेंट्रल फॉर ग्लोबल चाइल्ड हेल्थ टोरंटो एंड द आगा खान यूनिवर्सिटी कराची सेज वी हैव लेस देन 8 ईयर्स टू मीट द UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड मैनी चिल्ड्रन एडोलसेंट हेल्थ टारगेट्स आर ऑफ ट्रैक। अ होलिस्टिक अप्रोच दैट सपोर्ट्स चिल्ड्रन एंड देयर फैमिलीज फ्रॉम बिफोर बर्थ थ्रू अर्ली adulthood is urgently needed to bring us back in line, building a foundation that will last a lifetime, improve healthcare outcomes, economies and societies. तो वो कहते हैं कि जो UN ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सेट करे हुए हैं, तो UN के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स कौन से हैं वो देख लेते हैं। The Sustainable Development Goals are a set of 17 point targets. तो ये लिख लो, that all the countries which are member of UN agree to work upon for the better future of the country. The documentary screen at Rio Plus Future We Want presented the idea of post-2015 development agenda. Sustainable Development Goals is an intergovernment agreement formulated to act as post-2015 development agenda. Its predecessor being Millennium Development Goals. तो अब क्या कह रहे हैं, Sustainable Development Goals SDGs. ठीक है, क्या है post-2015 के बाद जो साल आया उसकी कैसे डिवाइड, इट इज अ ग्रुप ऑफ 17 गोल्स विद 169 टारगेट्स टू बी अचीव बाय, कब तक अचीव करने, 2030 तक अचीव करने, टू बी अचीव, ये भी हमें लिखना चाहिए, टू बी अचीव्ड बाय टिल
by 2030. Right, the 17th end of poverty in all its forms everywhere, end hunger, okay, ensure healthy lives, promote well-being. तो ये सब कुछ 17 जो हैं वो गोल सेट किए हुए हैं, रियो में करे थे, ये रियो प्लस 20 कॉन्फ्रेंस में करे थे, ठीक है ना. तो ये सारा है, तो वो कहते हैं कि कम टाइम रह गया जिसके अंदर बच्चों की हेल्थ, एडोलेसेंट्स और जो चिल्ड्रन हैं उनकी हेल्थ, द फर्स्ट कंसिडर ऑफ सर्वाइवल. तो वो कहते हैं द फर्स्ट कंसिडर, जो पेपर वन है वो कंसिडर करता है, कंसिडर सर्वाइवल, ग्रोथ, डिसेबिलिटी, एजुकेशन, फोकसिंग ऑन द क्रूशियल पीरियड इन द लाइफ साइकिल बिफोर अडल्टहुड. तो वो किस पे कर रहा है कि सर्वाइवल, जो बच्चा पैदा हुआ है वो सर्वाइव कर सके, ठीक है, वो बच्चा मरे ना, ठीक है. ग्रोथ, उसकी जो ग्रोथ है वो जैसे एक नॉर्मल बच्चे की ग्रोथ होनी चाहिए, उसको न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, उसकी वैसे ही ग्रोथ होनी चाहिए. डिसेबिलिटी, कोई डिसेबिलिटी ना हो, कोई बीमारी ना हो जिसकी वजह से डिसेबल्ड हो जाए वो. एजुकेशन मिलनी चाहिए. तो ये क्या है, लाइफ साइकिल बिफोर अडल्टहुड, ठीक है ना. तो पहला पेपर ये डिस्कस करता है उनका, ठीक है. दूसरा पेपर जो है, अनदर पेपर, द इम्पैक्ट ऑफ अर्ली लाइफ पॉवर्टी ऑन ग्रोथ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, इस पे बारे में बात करता है. तो वो कह रहे हैं कि कम टाइम रह गया, एंड पैंडेमिक ने जो है ये जो ग्रोथ है वो, इंस्टेड द ऑदर्स कॉल फॉर कॉम्प्रिहेंसिव केयर दैट स्पैन्स न्यूट्रिशन, प्रिवेंटिव हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमिक एंड कम्युनिटी सपोर्ट अक्रॉस एज ग्रुप्स फ्रॉम प्री कंसेप्शन थ्रू द एज ऑफ 20, ठीक है. तो ये बात करते हैं वो. तो बस हमें जितना नोट करना था बस ये ल्यूसेंट ने पेपर लिखा है, उसमें चार वो है जो इसके बारे में बात कर रहे हैं, और जो वर्ल्ड है वो थोड़ा पीछे चल रहा है, ठीक है. पीछे तो चल रहा है, यहाँ पे हमने कुछ न्यूज़ जो है जो छोड़ दी है वो हम कर लें तो बढ़िया रहेगा. जस्ट अ मिनट, ये रहा देखो. SSLV development flights likely in 2020. The ISRO, that is Indian Research, Indian Space, ISRO ka Indian Space Research Organization, is hoping to have all three development flights planned for its baby rocket, the small satellite launch vehicle, in 2022 itself. ठीक है ना. तो कह रहे हैं कि ऑल थ्री डेवलपमेंट जो है बेबी रॉकेट के लिए, द स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के लिए, वो 2022 में हो जाएंगे. थ्री डेवलपमेंट फ्लाइट्स हैव बीन अप्रूव्ड, 2022 इज आर टारगेट, इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ टोल्ड. ऑल थ्री मिशंस टू बी कैरिड आउट फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा वुड कैरी पेलोड्स, ठीक है ना, पेलोड्स. नाउ द फर्स्ट डेवलपमेंट फ्लाइट इज एक्सपेक्टेड टू टेक इन जून. A launch demand cheaper, designed as a launch on demand and a cheaper alternative for placing small payloads in orbit, it would have multiple mounting options for nano, micro एंड स्मॉल सैटेलाइट. तो ये जो व्हीकल है ये क्या करता है, सैटेलाइट्स कैरी करता है. और वो कहते हैं कि ये जो डिमांड थी इसकी कि कुछ चीप तरीका हो जिसके थ्रू सैटेलाइट जो है वो स्पेस में भेज सके. तो ये जो है थ्री जो इसके थ्री डेवलपमेंट फ्लाइट्स जो प्लान करी गई हैं इस चीज़ के लिए, ये पूरा नोट कर लीजिए, वो यहाँ से लॉन्च करी जाएंगी, ये भी नोट कर लीजिए सेकेंड पॉइंट, ठीक है ना. फिजिकली द SSLV इज़ अ थ्री स्टेज रॉकेट विद अ हाइट ऑफ 34 मीटर्स एंड लिफ्ट ऑफ वेट 120 टन्स. बाय कंपैरिजन the polar satellite PSLV ISRO's reliable workhorse stands 44 meters tall, has four stages and has a lift off. तो ये भी हमें नोट करना पड़ेगा. All three stages of SSV will be solid propulsion stages, being developed with private participation. The SSLV will be able to place 500 kg payloads in low earth orbit. ISRO has performed ground test on a new solid booster stage last December, told the Rajya Sabha Center has sanctioned this. This includes, ठीक है, इतने का project center किया था. This includes the cost of development, qualification of vehicle, flight labeled. Three planned development flights labeled. ये labels हैं इनके, इनको ये बुलाया जा रहा है, ये भी note कर लो. Hardware and structures of noses, ठीक है, okay. चलो एक और चीज़ जो हमारी यहाँ पर है वो ये है, आर्क्योलॉजी म्यूजियम इन AP टू डिस्प्ले 400 आर्टिफैक्ट्स. द आर्क्योलॉजी एंड म्यूजियम्स डिपार्टमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश हैज़ बिल्ट अ म्यूजियम इन इलूरू वेयर नियरली 400 आर्टिफैक्ट डेटिंग बैक टू द अर्ली हिस्ट्री पीरियड. सो ये पूरा का पूरा कहाँ पर आ रहा है, इलूरू. The Union Ministry of Culture granted this much under the upgradation of museum scheme of the rupees 5 crore project in Iluru town. The museum was built on a 2000 square yard campus. ये second paragraph भी equally important है. The construction work arrangement display, ठीक है. Now said, now यहाँ पे पढ़ते हैं. Nearly 400 artifacts have been collected. That way include tools, ये सब कुछ है. 19th century. A red stone mandapa shed found at Iluru is one of the main attractions in the museum. ये भी note कर लो. The museum is equipped with digital facilities that will give the visitor, ठीक है, हम जहाँ पे भी जाते हैं ना, अब राजस्थान में जाओगे वहाँ पे सुन सकते हो आपकी क्या इसकी, इस पैलेस की, इस फोर्ट की हिस्ट्री क्या है, वैसे ही यहाँ पे भी होगा, ठीक है. बर्थ डेथ रिपोर्टिंग टू बी
ऑटोमेटेड. तो सेंटर ने बोला द यूनियन गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग टू रीवैम्प द सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम. तो यहाँ से ध्यान देंगे, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है ये. तो क्या है जो क्या चेंजेस इन रिवैम्प, मतलब उसको सही करेंगे, नया बनाएंगे सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम. तो सिविल रजिस्ट्रेशन जो सिस्टम होता है वो क्या होता है, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम क्या होता है? टू इनेबल द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ इन रियल टाइम विद मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन. ठीक है ना. तो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम क्या होता है, सिविल रजिस्ट्रेशन जो होता है वो इनेबल टू इनेबल द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ इन रियल टाइम विद मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन. तो इसके थ्रू रजिस्ट्रेशन होती है कि किसका बर्थ और डेथ की रजिस्ट्रेशन होती है. तो अब कैसे रजिस्ट्रेशन होगी, रियल टाइम. ठीक है ना, रियल टाइम मतलब जैसे ही बर्थ और डेथ हो रहा है वैसे ही रजिस्ट्रेशन होगी, रियल टाइम रजिस्ट्रेशन ऑफ किसका, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, ऑफ बर्थ एंड डेथ. ठीक है ना, विद मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन. तो ह्यूमन इंटरवेंशन मिनिमम होगा. ठीक है ना, एंड डिपेंडेंट ऑन लोकेशन अकॉर्डिंग टू 2021 एनुअल रिपोर्ट ऑफ यूनियन होम मिनिस्ट्री. तो ये कौन करता है, यूनियन होम मिनिस्ट्री रिपोर्ट सेस. ठीक है, द CRS इज रन बाय रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया. ठीक है, ये लिख देंगे CRS रन बाय RGI, दैट इज रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया. ठीक है, लिंक टू द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर विच ऑलरेडी हैज़ अ डाटा बेस ऑफ 109 करोड़ रेजिडेंट्स. तो ठीक है, लिंक किसको करते हैं, लिंक टू NPR, दैट इज नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर. लिखो इसको, द रिपोर्ट सेड देयर वाज अ नीड टू अपडेट द NPR फर्स्ट कलेक्टेड इन 2019 एंड अपडेटेड इन 2015 विद आधार मोबाइल फोन एंड राशन कार्ड नंबर्स टू इनकॉर्पोरेट द चेंजेस ड्यू टू बर्थ डेथ एंड माइग्रेशन. द NPR इज टू बी अपडेटेड विद द डिसेंडियल सेंसस एक्सरसाइज दैट हैज़ बीन पोस्टपोन. तो जब हमारा सेंसस होगा, पॉपुलेशन काउंट करी जाएगी, तब ये भी अपडेट होते होंगे. टू एड्रेस द चैलेंजेस फेस्ड बाय द सिस्टम इन प्रोवाइडिंग प्रॉम्प्ट सर्विस डिलीवरी टू द पब्लिक, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस इन द सिविल ऑफ द कंट्री थ्रू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड बैकबोन लीडिंग टू. तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बैक वो होगा जिससे कि मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन होगी. ये हमने नोट कर लिया ऑलरेडी, ये हमें नोट करने की ज़रूरत नहीं है, क्रॉस आउट कर दो इसको. इट सेट द चेंजेस वुड बी इन टर्म्स ऑफ ऑटोमेटिंग द प्रोसेस. ठीक है, ऑटोमेशन ऑफ प्रोसेस यहाँ पे लिख दोगे, ऑटोमेशन ऑफ मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन जहाँ लिखा है वहाँ पे लिख दोगे ऑटोमेशन ऑफ द प्रोसेस. ठीक है ना, तो ऑटोमेशन हो जाएगी. तो हमें इसमें क्या क्या याद करना है, देखो सबसे पहले मैं तुम्हें याद भी करवाने लग जाती हूँ साथ साथ, बिकॉज कुछ बच्चों ने बताया कि हम नोट्स नहीं बनाते, हम सिर्फ याद करने आ रहे हैं. तो क्या है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जो है CRSP जिसको बोलते हैं, वो किस चीज़ के लिए है, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ. अब क्या होगा, उसको ऑटोमेटेड कर दिया जाएगा, मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन होगी उसके अंदर. ठीक है ना, रियल टाइम रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ होगा. CRS जो है वो कौन रन करता है, रजिस्ट्रार जर्नल ऑफ इंडिया. ठीक है, CRS रन बाय रजिस्ट्रार जर्नल ऑफ इंडिया. एंड ये किस चीज़ से लिंक्ड है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर से ये लिंक्ड होता है. ठीक है, इतना हमें याद रखना है कि अब ये ऑटोमेटिक होगा और इसको यूनियन होम मिनिस्टर की रिपोर्ट ने ये बोला है. ठीक है, उसके बाद अ फ्यू स्टेट गवर्नमेंट हैव रिपोर्टेड इशुएंस ऑफ फेक बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग द मिसयूज ऑफ. वो कहते हैं कि अभी क्या है, फेक बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं. ठीक है, वो भी बंद हो जाएगा अगर ऐसा ऑटोमेटेड सिस्टम होता है. द RGI दैट फंक्शंस अंडर द होम, ये RGI जो है वो किसके अंडर, रजिस्ट्रार जर्नल ऑफ इंडिया, वो किसके अंडर फंक्शन करता है, होम मिनिस्टर. ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तभी हमने पहले कर दिया. हैज़ प्रपोज अमेंडमेंट्स टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969 दैट विल इनेबल इट टू मेंटेन द डाटा बेस ऑफ रजिस्टर बर्थ एंड डेथ एट नेशनल लेवल. तो ये क्या होगा कि नेशनल लेवल पे, स्टेट तो करेगी नेशनल लेवल पे रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ भी होगी. ठीक है ना, ये भी जो अमेंडमेंट हुई है ये हम याद करेंगे. उसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ इज मैंडेटरी अंडर द एक्ट एंड द चीफ रजिस्ट्रार इज मैंडेटेड टू पब्लिश अ स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट ऑन द रजिस्टर्ड बर्थ एंड डेथ ड्यूरिंग द ईयर. ठीक है, तो हम कहेंगे द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ इज इंपॉर्टेंट, जहाँ पे मैंने ग्राउंड मारा है वो आपको नोट करना है. लोअर लेवल ऑफ डेथ रजिस्ट्रेशन में पार्शली भी एट्रीब्यूटेड टू नॉन रिपोर्टिंग ऑफ डोमिसिलरी डेथ्स एंड डेथ्स ऑफ फीमेल्स एंड इन्फेंट्स इटसेल्फ. ठीक है, तो ये है, ये हमें कुछ इससे लेना देना नहीं है,
बस इतना ही था, ठीक है. द आरजीआई इज़ एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 ऑफ 1969 एक्ट टू टेक स्टेप्स टू कोऑर्डिनेट एंड यूनिफाई द एक्टिविटीज ऑफ चीफ रजिस्ट्रार्स ऑफ बर्थ एंड स्टेट्स ऑफ ऑल स्टेट, ठीक है ना. तो वो कहते हैं कि एक इकट्ठा सा डाटा इकट्ठा करना, इनके पास ये पावर है ही, कर सकते हैं. वाई कांट पेरारिवलन बी रिलीज. तो हमने वो स्टोरी पढ़ी कि तमिलनाडु कैबिनेट ने कह दिया, स्टेट कैबिनेट ने, इफ ऑट ऑल, हमने क्या पढ़ा था कि तमिलनाडु की जो कैबिनेट है उन्होंने कहा कि जिसने राजीव गांधी को असैसिनेट किया है उसको अब रिलीज कर दिया जाए. तो ये चीज़ गवर्नर के पास है, गवर्नर ने क्या किया, उसको फॉरवर्ड कर दिया प्रेसिडेंट के पास, ठीक है ना. अब सुप्रीम कोर्ट के पास ये गया हुआ है. सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है, इफ एट ऑल द गवर्नर डिसएग्रीज विद द स्टेट कैबिनेट डिसीजन टू रिलीज हिम, द प्रॉपर कोर्स फॉर हिम वुड बी टू रेफर इट बैक टू द कैबिनेट. तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि गवर्नर ने प्रेसिडेंट को क्यों दिया, गवर्नर को वापस भेजना चाहिए था तमिलनाडु की कैबिनेट के पास, ठीक है ना. एंड नॉट फॉरवर्ड इट टू द प्रेसिडेंट हु इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द सेंटर. दैट कैन नॉट सिंपली बी डन. वी प्राइमा फेस आई फाइंड द गवर्नर्स एक्शन रॉन्ग एंड यू आर आर्ग्यूइंग अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन. जस्टिस एल नगेश्वर राव एड्रेस्ड सो एंड सो अपियरिंग फॉर द सेंटर, ठीक है ना. तो वो कहते हैं कि ये गलत क्या है. गवर्नर जो था वो पेरिवे हैज़ आर्ग्यू दैट ही हैड बीन अंडर द हैंगमैन्स नोज फॉर इयर्स, ही हैज़ सफर्ड द पेन एंड ट्रोमा ऑफ द डेथ रो सिंड्रोम. तो इनको डेथ, यहाँ पे एक मिनट, मेरे ख्याल से इनको डेथ सेंटेंस हो रखी है. एंड वो डेथ सेंटेंस, यस, इनको डेथ सेंटेंस हो रखी है. तो वो तभी कह रहे हैं कि मेरे को, मतलब एक क्लियर करो, या तो मुझे हैंग करके ख़त्म करो, पर मुझे ऐसा ना रखो कि मैं मरूंगा जिंदा रहूंगा. तो वो है, ठीक है ना. तो वो कहते हैं, मतलब ये वाली अभी स्टोरी चल रही है, तो देखते हैं क्या होता है आगे. लेबर कोड्स टू बी रोल्ड आउट सून. तो न्यू लेबर कोड्स, द फोर लेबर कोड्स विच वर पास बाय पार्लियामेंट 2019-2020 वुड बी इम्प्लीमेंटेड सून विद ओनली अ हैंडफुल ऑफ द स्टेट्स लेफ्ट टू ड्राफ्ट देयर ओन कोड्स अंडर द रूल्स अंडर द कोड. यूनियन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव सेड ऑन वेनसडे. तो ये फोर कोड्स कौन से हैं ये देख लेते हैं. तो ये फोर कोड्स जो हैं आपके किधर है, ये फोर कोड्स ये हैं यहाँ पे. द कोड ऑन वेजेस 2019, ये क्या है, अप्लाइंग टू ऑल द एम्प्लॉयज़ इन ऑर्गेनाइज एज वेल एज अनऑर्गेनाइज सेक्टर, एम टू रेगुलेट वेज एंड बोनस पेमेंट इन ऑल एम्प्लॉयज़ एंड एम्स टू प्रोवाइड इक्वल रेमुनेशन टू एम्प्लॉय परफॉर्मिंग वर्क फॉर अ सिमिलर नेचर इन एवरी इंडस्ट्री ट्रेड, ठीक है ना. तो वेजेस, कोड ऑन वेजेस क्या करेगा, इक्वालिटी लेकर आएगा. जबकि सैलरी की बात करते हैं, वेजेस की इक्वालिटी इन पेमेंट ऑफ वेजेस एंड बोनस, ठीक है, इससे डील करता है ये. द कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ वर्किंग कंडीशन सीक्स टू रेगुलेट द हेल्थ एंड सेफ्टी. तो हेल्थ एंड सेफ्टी कंडीशन ऑफ वर्कर्स जो काम करें माइंस और डॉक्स में, उनमें देखेगा. द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, 9 लॉज रिलेटिंग टू सोशल सिक्योरिटी एंड मेटर्निटी बेनिफिट. सोशल सिक्योरिटी जैसे कि उनकी पेंशन कैसी होगी, उनको कैसे, उनको सोशली सिक्योर्ड लाइफ जी सकते हैं. द कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन सीक्स टू कंसोलिडेट 3 लेबर लॉज, द आईडी एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, ट्रेड यूनियन, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट. The court aims to improve the business environment in the country largely by reducing the labor compliance burden of industries. ठीक है ना. तो ये चार लॉज आए, अगर आप चाहें तो आप इनको नोट कर सकते हैं. ये चार लॉज जो आए हैं ये जल्द ही इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, ठीक है. तो इनके चारों के नाम पता होने चाहिए आपको. उसके बाद बात करते हैं प्लान फॉर 4G अपग्रेड इन LWE एरियाज. तो LWE एरियाज कौन से होते हैं, लेफ्टिस्ट विंग, जो लेफ्टिस्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट जो एरियाज हैं, ठीक है ना, वहाँ पर माओइस्ट के जो एरियाज हैं वहाँ पे. द यूनियन कैबिनेट ऑन वेनसडे अप्रूव्ड ऑन यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड. तो USOF क्या है बताओ, क्या है USOF? USOF क्या है? USOF इज यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, ठीक है. इसमें क्या होगा, प्रोजेक्ट फॉर अपग्रेडिंग 2G मोबाइल सर्विसेज टू 4G एट सिक्योरिटी साइट्स इन LWE एरियाज एट एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ अबाउट दिस मच. तो जो कॉस्ट होती है वो भी याद करनी होती है, ठीक है. तो वहाँ पे ये होगा, ठीक है. तो हमें याद रखना है ये, और क्या है जो हो रहा है चेंजेस, ठीक है. यहाँ पर PM to undertake 3 nation tour in the first week of May. तो हमें क्या याद रखना है कि वो कहाँ कहाँ जा रहे हैं, प्रधानमंत्री कहाँ कहाँ जा रहे हैं. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल embark on the nation tour of Germany, Denmark and France. तो कहाँ कहाँ जा रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, जर्मनी,
डेनमार्क एंड फ्रांस. तो क्या क्या करने जा रहे हैं, ऑब्वियसली ये न्यूज़ जो है आप नोट करना चाहें तो अभी नोट कर सकते हैं, नहीं तो इसमें और भी डिटेल्स आती रहेंगी. अभी हमें द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड अनाउंस द टूर विल टेक प्लेस अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द वॉर इन बर्लिन. बर्लिन इज जर्मनी. मिस्टर मोदी विल होल्ड टॉक्स विद जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्स एंड द लीडर्स विल को चेयर द सिक्स एडिशन ऑफ द इंडिया जर्मनी इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशंस. तो जर्मनी में क्या करने जा रहे हैं, सिक्स कंसल्टेशन. तो हमें ये याद रखना है कि ये सिक्स्थ है, क्या है, सिक्स्थ कंसल्टेशन इंडिया जर्मनी, इंडिया जर्मनी. तो ये नोट कर लो, ठीक है. और वो किससे मिलेंगे, जर्मन चांसलर से, ओलाफ स्कॉल्स, ठीक है. चलो आगे चलते हैं. अब फिर उसके बाद वो कहाँ जा रहे हैं, उसके बाद वो जा रहे हैं फोकस ऑन न्यू दिल्ली विजिट वुड बी फोकस ऑन एनर्जी एंड अदर अपॉर्चुनिटीज दैट हैव ओपनड अप बिकॉज ऑफ द वॉर इन यूक्रेन एंड यूरोप कलेक्टिव रिस्पॉन्स टू कन्फ्रंट रशिया फॉर द मिलिट्री अग्रेशन अगेंस्ट यूक्रेन. इट विल गिव बोथ साइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सचेंज आइडिया, मिस्टर लिंडलेन सेड. ठीक है, उसके बाद वी वॉन्ट टू हैव कॉपरेशन, ठीक है, ठीक है. उसके बाद वो कहाँ जा रहे हैं, मिस्टर मोदी विल ट्रैवल टू कोफेनहेगन टू पार्टिसिपेट इन द सेकेंड इंडिया नॉर्डिक समिट, इंडिया नॉर्डिक समिट विच इज़ होस्टेड बाय डेनमार्क. ठीक है, ये भी नोट कर लो, सेकेंड कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं. फिर उसके बाद अपार्ट फ्रॉम मीटिंग डैनिश प्राइम मिनिस्टर मेट फ्रेडरिकसन, फ्रेडरिकसन इनका नाम याद करेंगे अभी. मिस्टर मोदी विल इंटरेक्ट विद अदर लीडर्स ऑफ द नॉर्डिक कंट्रीज सच एज स्वीडन, आइसलैंड, नॉर्वे एंड फिनलैंड. नॉर्डिक नेशंस, एक पर्टिकुलर साइड के नेशंस को नॉर्डिक नेशंस बोला जाता है, ये भी नोट कर लो. ही विल देन स्टॉप एट पैरिस वेयर ही शेड्यूल्ड टू मीट फ्रेंच प्रेजिडेंट इमैनुअल मैक्रॉन. फ्रांस एंड इंडिया आर मार्किंग 75 ईयर्स ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज दिस ईयर. तो ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है. देखो द हिंदू में जब तुम्हें न्यूज़ जब मिल रही है ना उसको नोट कर लो, क्योंकि बाद में ना वो फिर कभी कभी मिलती ही नहीं है, ठीक है, बाद में फिर और न्यूज़ आ जाती है. तो ये वाली क्यों, क्या विजिट कर रहे हैं, किसको मिल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, ये हमारे इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना. तो वो हम पढ़ लेते हैं. तो यूक्रेन डूइंग बेटर एट अ टैक्टिकल लेवल, नेवी चीफ ने बोला. तो हमें पता है ना अभी तक राइजीना डायलॉग चल रहा था. राइजीना डायलॉग में क्या है, जो इंटेलिजेंस होती है ना, इंटेलिजेंस हेड्स होते हैं, मतलब जो देखते हैं कि जो हमारी कंट्री है वो सेफ रहे, कोई टेररिस्ट अटैक ना हो जाए या कुछ हो ना जाए, साइबर अटैक ना हो जाए, ये सब कुछ देखते हैं. उनके हेड्स जो हैं वो मिल रहे थे न्यू दिल्ली में, मिले न्यू दिल्ली के अंदर. तो ये इंडिया में हुआ और ये 2016 में हमने स्टार्ट किया था, ठीक है. तो राइजीना डायलॉग की वजह से बहुत सारे लोग आए हुए थे इंडिया में, बहुत सारे मतलब मिनिस्टर्स डिफरेंट कंट्रीज से. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करूंगी ये मैं, ठीक है. इसके अंदर ये पढ़ लेते हैं. देखिए JNK हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अप्रूव, कल हमने पढ़ा था कि पाकिस्तान इनको अपोज कर रहा है. अ मीटिंग ऑफ द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वेनसडे अप्रूव्ड एन इन्वेस्टमेंट. अब ये इंपॉर्टेंट है, कितने की इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹4,526.12 crore फॉर द 540 megawatt कवार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन द चिनाब इन द किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. पूरा का पूरा जो मैंने रेड मार्क किया इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो, ठीक है. द प्रोजेक्ट वुड बी इम्प्लीमेंटेड बाई चनाब वैली, किस कौन करेगा इम्प्लीमेंट, चनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, अ जॉइंट वेंचर बिटवीन NHPC एंड किसका जॉइंट एंड द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन विद इक्विटी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 51% एंड 49%. ये भी हम नोट कर लेंगे. द प्रोजेक्ट टू बी कमीशन विद इन 54 months इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट दिस मिलियन यूनिट्स इन अ 90% डिपेंडेबल ईयर. ठीक है, ये आप नोट करना चाहो, थर्ड पॉइंट कर सकते हो, नहीं तो पहले वाले तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है. द CCA also approved the continuation of lending under the Prime Minister Street Vendors आत्मनिर्भर निधि टिल December 2024. अब ये वाला पॉइंट गवर्नमेंट स्कीम है, तो ये गवर्नमेंट स्कीम का ये पढ़ ले हम, ठीक है. क्या स्कीम है, प्राइम मिनिस्टर वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि टिल December 2024. तो December 2024 तक हो गई अप्रूव, तो ये पढ़ लेते हैं क्या है. यहाँ पे कहीं लिखा होगा, मैंने नहीं लिखा, ऐसा हो नहीं सकता. द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैड लॉन्च प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि फॉर प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल लोन्स टू स्ट्रीट वेंडर्स. ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करोगे, इंपॉर्टेंट है ये,
ठीक है. अर्लियर द स्कीम वॉज अनाउंस्ड एज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक स्टिमुलस अंडर द आत्मनिर्भर भारत अभियान. द स्कीम वुड बेनिफिट वेंडर्स, हॉकर्स, द लेवल एंड पीपल इन्वॉल्व इन गुड्स एंड सर्विसेज रिलेटेड टू टेक्सटाइल्स, अपैरल, आर्टिसन प्रोडक्ट्स, बार्बर शॉप्स, लॉन्ड्री सर्विसेज एक्सेट्रा इन डिफरेंट एरियाज. लोन फैसिलिटी, वेंडर्स कैन अवेल अ वर्किंग कैपिटल ऑफ ₹10,000 विच इज रीपेबल इन मंथली इंस्टॉलमेंट विद इन अ ईयर. द लोन्स वुड बी विदाउट कोलेट्रल, मतलब कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ेगा, बिना उसके ही लोन्स मिल जाएंगे. देर विल बी नो पेनल्टी ऑन अर्ली रिपेमेंट. दोज हु वर वेंडिंग टिल 24th March 2020 कैन अवेल द बेनिफिट. द स्कीम इज़ वैलिड टिल, अब ये हमारे उस वहाँ पे December 2024 तक एक्सटेंड कर दी गई है स्कीम जो है, ठीक है. तो ये आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, बस इतना पता होना चाहिए है क्या इसके अंदर, क्या मिलेगा, क्या कौन को किसके बेनिफिट के लिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती है. हाल का मतलब पता है ना, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बिगिंस एयरफ्रेम फटीक टेस्ट ऑन लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट. डिफेंस रिलेटेड न्यूज़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, अरे भाई हो जा लोड जल्दी से, हो जा यार, ये क्या होता रहता है इसको, एक मिनट रुक जाओ बस हो जाएगा. हाँ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल हैज़ कमेंस द मेन एयरफ्रेम फटीक टेस्ट. तो MAFT क्या है, मेन एयरफ्रेम फटीक टेस्ट ऑफ द लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, ठीक है. ये मैं रिमूव कर रही हूँ, LCAMK1, तो क्या नाम है इसका, LCAMK1, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट LCAMK1 का क्या एयरफ्रेम, मेन एयरफ्रेम फटीक टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो गया. तो पूरा एट द ग्राउंड सेंटर ऑफ द एयरक्राफ्ट रिसर्च एंड डिज़ाइन सेंटर बेंगलुरु, ठीक है. ये हमारा इंपॉर्टेंट है, ये पूरा नोट करेंगे. दीज टेस्ट विल बी कैरिड आउट ओवर अ पीरियड ऑफ 8 to 9 years. द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ MAFT विल क्वालिफाई द LCA एयरफोर्स MK1 एयरफ्रेम फॉर इट फुल सर्विस लाइफ. द एयरफ्रेम इज द सेम फॉर, अब ये इंपॉर्टेंट है, वो कहते हैं LCA MK1 इन सर्विस एंड द मोर केपेबल LCA MK1A, इसका जो है वो सेम है, ठीक है. ऑफ विच द IFS हैज कॉन्ट्रैक्टेड 83 ऑफ विच द IFS हैज कॉन्ट्रैक्टेड फॉर. द MK1A इज एक्सपेक्टेड टू रोल आउट इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ, ठीक है. द टेस्ट प्लान एंड शेड्यूल फॉर द टेस्ट हैज़ बीन जॉइंटली अराइव एट इट बाय द डिज़ाइनर्स फ्रॉम द हॉल एंड साइंटिस्ट फ्रॉम द एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी इन कोऑर्डिनेशन विद द रीजनल सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्थीनेस, ठीक है. तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो ये है, हमें पता होना चाहिए LCA MK1 का क्या हो रहा है. रशिया स्टॉप्स गैस सप्लाई टू 2 NATO nations. तो अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रशिया ने क्या करा, गैस सप्लाई रोक दी 2 NATO nations के, वो कौन से हैं, बेलारूस और पोलैंड. ये इंपॉर्टेंट है. रशिया कट ऑफ नेचुरल गैस टू नाटो मेंबर्स पोलैंड एंड बल्गेरिया, नॉट बेलारूस, नहीं है बेलारूस, तो मैं भी कहूँ बेलारूस साथ में था यार, अलग कैसे हो गया, सॉरी. ये है बल्गेरिया, देखो ध्यान से पढ़ा करो, बल्गेरिया एंड पोलैंड, पोलैंड का पी कैपिटल होना चाहिए, पी बल्गेरिया एंड पोलैंड, ठीक है ना, नाटो नेशंस का. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ऐसे ना करो, वेनसडे को हुआ उसे नहीं. थ्रेटन टू डू द सेम टू अदर कंट्रीज ड्रामेटिकली एस्केलेटिंग इट्स स्टैंड ऑफ, क्यों किया, वाई का आंसर क्या, क्यों किया, कम क्यों किया, बिकॉज यूरोपियन लीडर्स डिसाइड द मूव एज ब्लैकमेल, ठीक है. उन्होंने क्या, ड्रामेटिकली एस्केलेटिंग इट्स स्टैंड ऑफ विद वेस्ट ओवर द यूक्रेन. अ डे आफ्टर द US एंड अदर वेस्टर्न लाइज वोर टू स्पीड मोर एंड हैवियर वेपन्स टू यूक्रेन, क्यों करा, वाई यहाँ पे मिल रहा है हमें, वाई यहाँ पर है, ये ऊपर वाला वाई नहीं है, ठीक है. कौन सी कंट्रीज़ का, ये नोट करो, ये हमने नोट नहीं करना, ये वाला पार्ट नोट किया, क्यों, क्योंकि वो वेपन्स दे रहे हैं, हैवी वेपन्स दे रहे हैं किसको, यूक्रेन को. द क्रेमलिन यूज्ड इट्स मोस्ट एसेंशियल एक्सपोर्ट एज लेवरेज अगेंस्ट टू ऑफ कीव्स स्टॉन्च बैकर्स. गैस प्राइसेस इन यूरोप शॉट अप ऑन द न्यूज़. द गैस कट्स डू नॉट इमीडिएटली पुट द टू कंट्रीज इन डायर ट्रबल. Poland has been working on several years to line up the sources of energy and continent is heading into summer making gas less essential for the household. So, कहते हैं कि उनको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ऐसा बोला जा रहा है. Russia and the US have carried out an unexpected prisoner exchange in a time of high tensions, trading a marine veteran jailed by Moscow for a convicted Russian drug trafficker. तो क्या है, दोनों ने, Russia और US ने, एक बंदा Russia ने छोड़ा, दूसरा USA ने छोड़ा, ठीक है. While Russia released Trevor Reed, an American imprisoned for nearly 3 years, the US returned ये बंदा, a Russian pilot who had been serving a 20-year federal prison sentence in Connecticut for तो ये है, ये नोट कर सकते हो यार, कुछ नहीं पता, मतलब ये इंपॉर्टेंट इसलिए इस पर ध्यान दिया जा रहा है बिकॉज वैसे तो ये ऐसे लड़ रहे हैं,
ठीक है, बहुत बुरी तरह से, और ऐसे ये भी कर रहे हैं मतलब एक दूसरे के प्रिजनर्स को. चाइना अर्ज पाक टू क्रैक डाउन ऑन टेरर आउटफिट्स. तो अभी अभी पाकिस्तान के अंदर एक सुसाइड अटैक हुआ, वेक ऑफ अ सुसाइड अटैक इन कराची, वो उन्होंने किल किया चाइनीज़ टीचर्स एंड वन पाकिस्तानी नेशनल को, ठीक है. तो वो कह रहे थे जो ये थे, चाइना पाकिस्तान द ब्लास्ट टारगेट अ वैन कैरिंग टीचर्स टू द कॉन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट एट यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, ठीक है. द सुसाइड अटैक वॉज क्लेम्ड बाई द बलोच लिबरेशन आर्मी, चाइनीज एनालिस्ट कॉल्ड फॉर टफ मेजर्स, ठीक है. तो आई सपोर्ट चाइना मिलिट्री टू स्टॉन्च डायरेक्ट एयर स्ट्राइक्स अगेंस्ट द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कैंप आफ्टर गेटिंग अप्रूवल ऑफ द पाकिस्तानी गवर्नमेंट, ठीक है. पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं. जुंता कोर्ट जो हमने पढ़ा था ना कि वहाँ पे, मतलब आपको याद है अगर आपने वो सेशन अटेंड किया था, तो अफ़गानिस्तान का तालिबान है और एक तालिबान जो है वो है पाकिस्तान का तालिबान, ठीक है ना. तो अब क्या है, पाकिस्तान का जो तालिबान है वो बहुत एक्टिव हो गया है, बिकॉज़ उसको कहीं ना कहीं अफ़गानिस्तान जो तालिबान है अब वो, ठीक है, दे आर इन पावर इन अफ़गानिस्तान. तो ठीक है, तो इसकी वजह से कहाँ ना कहीं कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तालिबान की वो हेल्प कर रहे हैं, और इसकी वजह से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बॉम्ब ब्लास्ट होने लग गया. जुंता कोर्ट, इसमें से याद करने की ज़रूरत है, जुंता कोर्ट जेल सूकी आई सूकी. तो अब कोर्ट इन मिलिट्री रूल म्यांमार ऑन वेडनेसडे, एक मिनट रुक जाए, इसको चार्ज कर लेते हैं, नहीं तो फिर हमारा सेशन आधा अधूरा ना रह जाए. चलो, अ कोर्ट इन म्यांमार रूल मिलिट्री रूल्ड म्यांमार ऑन वेडनेसडे सेंटेंस डिपोज लीडर. तो इनको जेल हो गया करप्शन के केस में, ठीक है. तो ये है, तो इनका हैड एक्सेप्टेड 11.4 केजी गोल्ड फ्रॉम हर टर्न्ड अक्यूजर, ठीक है. तो बेसिकली क्या है कि करप्शन चार्जेस लगा के इनको जेल में डाल दिया. शी वॉज द वन हु वॉज रूलिंग द कंट्री बिफोर काउप, मतलब मिलिट्री पावर आ गई है वहाँ, मिलिट्री रूल आ गया है वहाँ पे म्यांमार में, ठीक है. उम्मीद है कि आपने सेशन को लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा. प्लीज़ प्लीज़ यार, व्यूज़ इंक्रीज़ करो थोड़े से. मेरी टीम मुझे डांट रही है कि तुम अपने भाई को छोड़ने गई क्यों. तो प्लीज़ ऐसा मत करो. चलो, सेंटर इन्हांसेस सब्सिडी फॉर नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स. तो नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स के लिए सब्सिडी जो है वो इंक्रीज़ कर दी गई है. इसमें से नोट करने वाला भी कुछ भी नहीं है, यहाँ पे हमारा स्पोर्ट्स में भी कुछ नहीं था. चलो, अब आपको पता है क्या करना है, यू हैव टू लाइक द सेशन एंड यू नीड टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड मुझे बताओ कि ये 6 बजे वाला सिस्टम, 6 PM वाला सिस्टम सही बैठता है तुम्हें या फिर सुबह सुबह वाला, मॉर्निंग वाला. चलो, वोटिंग भी करवाई थी मैंने, सबने बोला मॉर्निंग, पर तुम एक बार फिर से कमेंट कर दो, फिर नहीं तो फिर मैं मॉर्निंग का शेड्यूल सेटअप करने की कोशिश करूँगी. सो या गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे सेशन. मुझे उम्मीद है कि आपको ये हेल्पफुल लगा होगा, अगर हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता देना, बिकॉज दैट मोटिवेट्स मी टू गेट अप मोर अर्ली सो दैट आई कैन डू द वर्क, ठीक है ना. सो या दैट्स इट, एग्जाम आर साइनिंग ऑफ.